जवाब तो ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं जो सुल्ताना में इज्तिमा होने वाला है, इसका इंतज़ाम आप देख सकते हैं। आज है 19 तारीख को जो इंतज़ाम चल रहे हैं हम आपको दिखाते हैं क्या क्या इंतज़ाम हो गए हैं और क्या अभी बाकी हैं। जो 22, 23, 24 फरवरी को झुन्नू डिस्ट्रिक्ट के सुल्ताना में जो तबलीगी इज्तिमा होने जा रहा है उसको हम आपके सामने लेके आए हैं। अभी हम आपको एक एक चीज़ दिखा बोल लूँगा वहाँ जाने से, ये हाथ हटा दे। हेलो दोस्तों, ये जहाँ पे वजू के लिए इंतज़ाम हुआ है अभी काम चल रहा है। चलो क्लोज। ये इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों, अभी इनमें नल लगना बाकी है। तो पहले वाला नंबर, एक नंबर वाला जो है वहाँ पे नल लग चुके हैं, उधर टैंकर से उनको जोड़ा जाएगा। हाँ, ये देखो सामने टैंकर खड़े, इनसे इन पानी की सप्लाई होगी। और यहाँ पे जो गड्ढा बनाया है यहाँ पे वेस्ट पानी जाके जमा होगा। ये पहले नंबर पे जो आप देख सकते हैं इनमें नल वगैरह लग चुके हैं, ये देखो औरों में, ये और अभी चल रहा है नल का काम, कल तक ये तैयार हो जाएंगे। अब आप हम आपको दिखाते हैं यहाँ का जो टॉयलेट है, टॉयलेट बाथरूम की जहाँ फैसिलिटी यहाँ पे बनाई गई है, आपको लेके चलते हैं। ये टॉयलेट की जो फैसिलिटी यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है यहाँ पे। जो टॉयलेट की और ये जो बाथरूम की जो खिदमत थी, ये जाबा सर और मलसी सर, और ये जो वजू खाना है ये आप देख सकते हैं, ये बाथरूम है, ये लोहे के टेम्परेरी बाथरूम है, ये लोहे के बनाए गए हैं। चलो हम आपको लेके चलते हैं जो गुसल खाना है, बैतुल खला, ये तो बैतुल खला हो गया, जिसको उर्दू में बैतुल खला कहते हैं, गिने तो हमने नहीं। ये यहाँ पे है गुसल खाना, अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पंडाल लोग बैठेंगे, बयान होंगे, बयान सुनेंगे। अभी इनका पंडाल का काम चल रहा है, इलन मध्य तो फोन में, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है, तो ही बोल देगी। ये जो पंडाल का काम है ये झुन्नू के जिम्मे है, बहुत ही जोरों शोरों पर चल रही है तैयारी इज्तिमा, सुल्ताना इज्तिमा की आप देख सकते हैं। और ये है मेरे साथ कैमरामैन है शाहरुख खान, आपको इनकमिंग वॉइस। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत ही बड़ा पंडाल 150x300 में यहाँ पे लगा है, हम आपको आगे भी दिखाएंगे। आज ही इसकी तैयारी चल रही है, आपको हम यहाँ लेके आए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जो दूसरा वजू खाना और वहाँ पे जो बैतुल खला दूसरा जो है, सामने आपको वो टैंकर दिख रहा होगा वहाँ पे जो है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे जो अभी कैमरामैन थे ये शाहरुख भाई हैं, ये दोनों मेरे साथी हैं। चलो Thank you.
पे मिलता था आसान नंबर नहीं नंबर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है। चल बिन्ने चल, जहाँ पे स्टेज लगेगा ना मेन वो दिखा देते हैं। जूम इन मत कर, जूम आउट ही रख। जहाँ पे स्टेज लगेगा बड़े बड़े मोल यहाँ पे होंगे 22 तारीख 22, 23, 24 को 24 को लगभग 11 बजे के का टाइम दिया हुआ है, जिस टाइम दुआ होगी। दुआ में मौलाना चिरागुद्दीन जो कि हमारे झुंझुनू के जमात लाइन से तबलीगी जमात के अमीर जो हैं, अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे स्टॉल वगैरह का इंतज़ाम है, खाना का, खाने की स्टॉल कहाँ लगेगी और नाश्ता वगैरह। स्टॉल कहाँ निकल रहा है? दे दो जा ले। माशाल्लाह बहुत खूब। ये आप देख सकते हैं दूसरा वजू खाना, लगभग एक जो लाइन है इसके अंदर लगभग 100 लोग एक साथ वजू कर सकते हैं, तो लगभग 400 लोग वहाँ कर सकते हैं एक टाइम में, 400 लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और इसका जो वेस्ट पानी का जो बनाया है वो आप देख सकते हैं उसके अंदर, जो लास्ट में जो वेस्ट पानी जाएगा ताकि कीचड़ वगैरह ना हो। यहाँ पे अभी नल वगैरह लगना भी बाकी है। अब इस साइड दिखाते हैं आपको जहाँ पे नाश्ते की जो स्टॉल लगेगी, नाश्ते की स्टॉल लगेगी इस साइड। ये नाश्ते की स्टॉल है, 20 स्टॉल है यहाँ पे चाय पानी की, और इस साइड है खाने की, खाने की व्यवस्था जो है ये 10 स्टॉल है यहाँ पर खाने की। अभी ये सब लोग जिनके जिम्मे जो खिदमत आई है वो अपने काम में लगे हुए हैं, हमारी भी खिदमत है। स्टॉल नंबर 1 झांझोत खाने की स्टॉल है हमारी। ये स्टॉल जो है ज़ूम इन मत कर, आउट कर। हाँ बस ये झुंझुनू वाले लगे हुए हैं अपनी स्टॉल में काम कर इंतज़ाम करने के लिए, ताकि 21 तारीख से ताकि 21 तारीख से पहले अपना काम चलता ले। 21 तारीख से स्टॉल का जमाते आ जाएंगी 21 तारीख को, तो खाने का जो है वो 21 तारीख को हो जाएगा। इस साइड जो है ये खाने की है, और इस साइड नाश्ते की होगी, ये होगी नाश्ते की। ये जितनी भी हैं 20 स्टॉल है यहाँ, कुछ तो इधर है कुछ उस साइड भी हैं। हम आपको लेके चलते हैं जो झांझुत की स्टॉल है सबसे लास्ट में, फिर हम वीडियो कंप्लीट करेंगे। उसका क्या क्या काम हो गया है झांझुत की स्टॉल का, सुबह से लगे हुए हैं झांझुत की स्टॉल में हमारे साथी, सुबह से बहुत मेहनत मशक्क़त से लगे हुए हैं। किचन झांझुत का
जो किचन है वो हम आपको दिखाएंगे। ये झांझुत का किचन टेंट का, ये सुबह से सभी साथी ने मिलके तैयार किया है। ले अभी हम आपको लास्ट स्टॉल दिखा के ख़त्म करेंगे कि अभी असर की नमाज़ का टाइम हो गया है। शाहरुख भाई, मैं और इल्मू भाई अब नमाज़ के लिए जाएंगे। अब हम आपको दिखाए हुए हैं सभी जो झांझुत से काम करने के लिए आए हैं, दो चार तो बैठे हुए हैं यहाँ पर, चार पांच लड़के बैठे हुए हैं छोटे छोटे, बड़े थे वो सब चले गए हैं नमाज़ के लिए। ये भी इंशाल्लाह अब नमाज पढ़ने लग जाएंगे। चलो ये आज हमारी झांझुत की टीम काम करने के लिए आई थी, आप देख सकते हैं झांझुत की टीम, इन्होंने आज मोर्चा संभाला। ये बैठा हुआ यही, ये झांझुत की टीम यही, इन्हें बोल लग मेहनती बच्चे, मतलब जो बड़े बड़े हुए घर पे बैठे लेकिन ये ने बोला जज्बा, मेहनत कर रहे हैं ये बंदा, बहुत मेहनत कर रहा है। क्या मेहनत कर लाग रहे, सुबह क्या है कैसे पसीना लाल हो गए हैं सबके, सबके चेहरे लाल हो गए हैं। नहीं ये झांझुत का किचन कैफे ये हम आपको दिखा रहे हैं, झांझुत का स्टॉल है ये। ये मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर ईटी का। अब हम इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं कि अभी असर की नमाज का टाइम हो गया है, नमाज के लिए जा रहे हैं अब हम। अल्लाह हाफिज़ आप सभी भाइयों को।